नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। बात पंजाब की करते हैं। एनआरसी और सीए बिल को लेकर आज भारत बंद की कॉल है और आज मोगा में हजारों की गिनती में अलग अलग जत्थेबंदियों के लोग इकट्ठा हुए और मोगा में आज इस बिल को लेकर भी दुकानदारों का भी सहयोग मिला। आम दुकानदारों की तरफ से मोगा की सभी दुकानें बंद रखी गई। मोगा में आज अलग अलग जत्थेबंदियों की तरफ से बंद को पूर्ण सहयोग मिला, तो वहीं कुछ लोगों की तरफ से इस बिल का विरोध भी किया गया, जहां स्थिति थोड़ी बहुत तनावपूर्ण भी बनी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी होने के कारण स्थिति काबू कर ली गई। वहीं जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि इस बिल के विरोध में आज तमाम जत्थेबंदी इकट्ठा होकर शांति से रोस मार्च करेगी और बाजार भी बंद रखेंगे। अल्लाह रहमान रहीम। अज असी मोगा डिस्ट्रिक्ट विच जिवें कि सानू सब नू पता है, अज भारत बंद बुलाया गया है बहुजन क्रांति मोर्चा अते मुस्लिम भाईचारे वालों। इस तहत अज जो हजूमा वाला कट तुसी मोगे देख रहे हो, अज मुस्लिम भाईचारे दे सारे लोग ते नाल बहुजन क्रांति मोर्चा दी टीम असी कट्ठे हो के मोगा च बंद बुलाया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ CAA NRC ਅਤੇ NPR ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। चीन में फैली कोरोना वायरस की बीमारी को देखते हुए जहां पूरे देश में पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं, वहीं चंडीगढ़ के PGI में आए एक शक्की मरीज के बाद पंजाब सेहत विभाग ने पंजाब के सभी जिला अस्पतालों में इस वायरस से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगर हम बात करें जिला मोगा की, तो जिला मोगा के सरकारी अस्पताल में भी 2 आइसोलेटेड वार्ड तैयार किए गए हैं, जहां पर सभी जांच की मशीनें भी लगा दी गई हैं। वहीं मोगा के CMO हरिंदर पाल सिंह और SMO डॉक्टर राजेंद्र अत्री ने दोनों वार्डों का दौरा किया और जांच की। इस मौके पर CMO डॉक्टर हरिंदर सिंह, AMO राजेश अत्री और MD डॉक्टर साहिल गुप्ता ने बताया कि वैसे कोरोना वायरस का पंजाब में अभी कोई असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सरकार के दिशा निर्देश पर हमने मोगा के सरकारी अस्पताल में 2 वार्डों में आइसोलेटेड करके तैयार कर दिया है और यहां पर 24 घंटे के लिए स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि अगर कोई ऐसा मरीज हमारे पास आता है तो उसका तुरंत इलाज कराया जा सके। वहीं डॉक्टर साहिल गुप्ता ने बताया कि वैसे तो यह स्वाइन फ्लू टाइप का ही वायरस है, फिर भी इसका ध्यान रखना जरूरी है। वायरस की यह सच है भी दहशत बहुत फैली हुई है, पर सानू ये तो चिंता करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि पंजाब दे विच कोई ऐसा केस नहीं है, पर फिर भी सानू तैयारी पूरी रखनी पवेगी। बाई चांस कोई केस इदा दा आ जांदा तां कि उहदा समय सिर इलाज किया जा सके, स्पैशलिस्ट डॉक्टर साहब तो इलाज किया जा सके, जो मशीनां चाहीदी हन वह भी चालू हालत में रखनी चाहीदी हन। तो साढ़े मोगा जिले दे विच इस वक्त कोरोना वायरस तो जो कोई पीड़ित मरीज नहीं है, पर फिर भी असीं अपनी तैयारी पूरी की हुई है। वेंटीलेटर तैयार ने, आइसोलेशन वार्ड तैयार है, साढ़े मैडिकल ऑफिसर डॉक्टर साहिल ने, इस तो बिना एनेस्थेटिस्ट ने जिहड़े वेंटीलेटर ओपरेट कर सकते, सब की ड्यूटी लगा दी गई है। OPD दे विच भी डॉक्टर राजेश छत्री आप देख रहे हैं मरीजों नूं, जे कोई शक लगती है तो उहदा सैंपल लैके असीं टैसट करावांगे। तो मैनू उम्मीद आ बई जे कोई इदां दी कोई गल हुंदी है तां उहदा असीं उहनूं असीं बड़े वधिया तरीके नाल हैंडल करांगे। किन्ने वार्ड तैयार कीते गए? असीं 2 वार्ड तैयार कीते आ, हर वार्ड दे विच 2 बैड है जी। अरेंजमेंट पूरे आ गए जी? अरेंजमेंट पूरे है जी, मशीनरी पूरी आ, स्टाफ पूरा आ, मैडिकल ऑफिसर ड्यूटी ते है, 24 घंटे असीं हाजिर हाँ इत्थे, लोकल मोगे दे हैगे सारे, जे कोई प्रॉब्लम आउंदी असीं अपने आप हैंडल करांगे। कोरोना वायरस नूं लैके सब तो पहला तो अवेयरनैस जिहड़ी जनता जरूरी है, एक दूजे नूं हाथ मिलाना, छिक जिहड़ी मारन लगियां हाथ रखना,
और एक जिहड़ियां सक्रीशनज़ ने साडियां उन्हां तों इह ज़्यादा वायरस फैलदा। सो ये गल्लां दा ध्यान रखना, पानी ज़्यादा पीना, पौष्टिक खुराक लेनी, ये सारियां गल्लां जिहड़ियां इस बारे जनता नूं अवेयर कराया जा रहा। और साडे दो मैडिकल स्पैशलिस्ट ने जिहड़े, और मैं खुद ही एंटी स्पैशलिस्ट हाँ, पेशेंट नूं जिहड़े आंदे ने कोई भी जुकाम जेंदे उन्हां नूं चेचे तौर पर ज़्यादा ध्यान रखने बारे कहा जाने जाना साडे वल्लों। और दूसरा यह है सारे डॉक्टर्स नूं आपां जिहड़े आ ट्रिपल लेयर मास्क और जिहड़ा N95 मास्क जिहड़े इह वंडे आ, और पूरी प्रोटैक्शन जिहड़ी आ उहदी कीती जा रही है और अवेयर भी प्रॉपर पब्लिक नूं कीता जा रहा। मोरओवर सिविल हस्पताल दे विच 4 बैड दा असीं स्पैशल 2 रूम्स तैयार किए हैं जिन्हां च वेंटीलेटर दा इंतजाम भी है, और साडे स्टाफ नूं भी इस बारे पूरा सेंसिटाइज किया गया। कोरोना नूं लैके दहशत तो काफ़ी है, पर पंजाब छाले अपने कोई केस डिटेक्ट नहीं होया कोरोना वायरस का, पर उस पर फिर भी असी सरकार के हिसाब नाल सहूलतों के हिसाब नाल सिविल हॉस्पिटल मोगा दे विच आपां पूरी तैयारी जो है कोरोना वायरस के मरीजों वास्ते पूरी कर ली है, जिस असी आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया जिसे 4 बैडेड 4 बैड ने, तो एक साढ़े को वेंटीलेटर मशीन है, तो जिवें SMO साहब तो सिविल सर्जन साहब नाल गलबात होकर उस हिसाब नाल असी पूरी तैयारी असी बैठे हैं कि जे कोई केस आता तो असीं नूं पूरा इलाज कर पाइए। सिमटम अपने नॉर्मल जिवें वायरल फीवर के होंगे, गला खांसी, गला खराब, बुखार, नॉर्मल सिमटम तो यही होंगे, पर यह कि जो ये वज जाते हैं जिस नाल निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है जो पेशेंट सिक हो जाता है। ट्रीटमेंट तो हले कोई ना कोई स्पैसिफिक नहीं है, पर सिमटोमैटिक ही है, ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं हले अपने को, ना ही कोई वैक्सीन है ना ही कोई उस सकता है ट्रीटमेंट स्पैसिफिक। खून की जो गल की जाए तो पेशेंट जो आ रहे अजकल मौसम भी चेंज हो टेस्टिंग वगैरह टेस्ट तो कोरोना का तो कोई नहीं है, बाकी जो अपने रूटीन टेस्ट है जिमें अपना कोई भी इनफेक्टिव है या चेस्ट एक्सरे या कुछ और चीज़ा अपने सारिया हो रही अंदर सिविल हॉस्पिटल में, उस तो आप जज कर सकते। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ये आरोप लगाया गया कि खूनदान कैंप लगाने वाली संस्थाओं को पैसे मिलते हैं, जिसको लेकर पंजाब भर की खूनदान करने वाली संस्थाओं में रोष पाया जा रहा है। जिसको लेकर मोगा के सरकारी अस्पताल में मोगा की करीब 20 खूनदानी संस्थाओं के आगुओं ने एक हंगामी मीटिंग की और मांग की कि वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इस तरह के पैसे लेती है, और बल्कि संस्थाओं द्वारा खुद जेब से खर्चा किया जाता है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद सब में रोष है, ऐसा करने की हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऑडियो वायरल करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आगो ने बताया कि जो लोग खून दान करते हैं उनका भी संस्थाओं के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। वहीं हम सभी संस्थाओं के आगुओं ने एक मीटिंग की है और CMO और SSP को मांग पत्र दिया है। भले वीडियो वायरल करने वाले ने माफ़ी मांग ली हो, लेकिन हम चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए ताकि कोई ऐसी घटना आगे ना फैला सके। अज जिन्नी भी ब्लड डोनर संस्थावां हैं उन्होंने एक मीटिंग की जा रही है, कुछ वीडियो वायरल हुई है उन्होंने। हाँ जी, एक ऑडियो वायरल हुई है पिछले 3-4 दिन तो, जिन्हें सोशल मीडिया के उत्ते काफ़ी तरथली मचाई हुई है और तकरीबन हर बंदे दे मोबाइल दे विच ऑडियो चली गई है। और उदे नाल जिहड़ा साडे वलंटियर ब्लड डोनेशन, सरकार की जिहड़ी एक पॉलिसी है कि वलंटियर ब्लड डोनेशन होवे और कोई भी मरीज़ जेकर ब्लड बैंक दे विच आवे तां उहनूं तुरंत ब्लड मिले, उन्हूं बहुत वड्डा धक्का जिहड़ा लग्गिया। इहदे विच जिहड़ा खूनदानी संस्थावां दे नुमाइंदे आ जिहड़े खूनदान कैंप लगवाउंदे आ उहनां दे उत्ते भी एक बदनामी दा दाग लग्गिया, और उहदे नाल नाल लोकां दा विश्वास भी टुट्टिया। जिहड़े लोक खूनदान करदे सी साडे कहे ते उहनां लोकां दा विश्वास टुट्टिया। सो चाहे कि उहने कल एक माफ़ी दी वीडियो जिहड़ी पाई है, पर उस माफ़ी दी वीडियो ने नाल साडा जिहड़ा मसला हल नहीं हो रहा। सो इस करके अगे तो कोई इस तरह की साहस ना करे, इस करके असी जिहड़ा हैगा अज पूरियां पंजाब दियां खूनदानी संस्थावां ने फैसला किया सी कि अज जिला हैडक्वार्टरां ते आपदियां मीटिंगां करके खूनदानी संस्थावां नूं इकट्ठे करके उस बंदे दे खिलाफ़ हर जिला हैडक्वार्टर तो जिहड़ी FIR दर्ज करवाई जावे। सो असी जिहड़ा इस मकसद लई अज इत्थे इकट्ठे होए आ, ते असी इस तों बाद सिविल सर्जन साहब नूं सारे घटनाक्रम दी जानकारी देण तों बाद SSP दफ्तर जाके SSP साहब नूं एप्लीकेशन दे के उस बंदे ते FIR दर्ज करवाउण दा पता लगा। ये वीडियो कित्थों वायरल होई है जी? देखो जी, जिहड़े जिहड़ा बंदा उहदे विच गल कर रहा, दोष ला रहा, वह बंदा पिंड बनभौरा तहसील मलेरकोटला जिला संगरूर दा है। उहदा नाम हरकमल सिंह है, उहदा मोबाइल नंबर भी है साडे कोल,
बट जिदे नाल गल हो रही है वह बंदा जिहड़ा सानू हले तक डिटेक्ट नहीं होया और असी जिहड़ी दोने ही मंग कर रहे हैं कि जिन्हें ये गल कही है उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए और जिन्हें ये आडियो वायरल की है वो खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए क्योंकि दोने ही बराबर के दोषी है। ब्लड डोनेट करने वाली संस्थावां दे उत्ते एक आडियो दे विच बैन की गई है कि भी संस्थावां नूं 1000 रुपया बोतल मगर मिलती है। अज तुहाडे वल्लों एक मीटिंग की जा रही, की कहोगे? देखो जी, ये मीटिंग साढ़े वल्लों की जा रही है, ब्लड डोनेट सैटियां कट्ठियां हुई क्योंकि तकरीबन कोई समा पहला प्रेस नूं भी पता है, सारयां नूं पता है क्योंकि जो रेट वधे सी, सरकार ने रेट वधाए सी, उदों ब्लड डोनेट सैटियां ने रौला पाया सी वी पबलिक तों ब्लड दे रेट घट लए जाण क्योंकि उहदे कारण सरकारां ने यह फ्री करता भी सरकारी होस्पिटल दे विच ब्लड फ्री दिता जाऊगा क्योंकि जिहड़ियां प्राइवेट बैंकां ब्लड बैंकां खुल गईआं उहदे कारण थोड़ा जिहा उहनां नूं पंजाबी च कहदे आ वी ढिड पीड़ भी हुंदी है क्योंकि वी सरकारी ये जिहड़ियां ब्लड डोनेट हैगीआं जथेबंदियां ये ब्लड करदियां डोनेट ते प्राइवेट उहदे कहण को बहुत घट ते बहुत घट लोग जांदे आ क्योंकि इहदे विच थोड़ा जिहा इन्ना गा वी मैं तां जिहड़ियां साडियां प्राइवेट ब्लड डोनेट सैटियां उन्हों बेनती करूँगा भी आपके कैंप भी जारी रखने हैं, सारा कुछ करना, ब्लड डोनेट कैंपा भी बेनती करूँगा भी इवें चलना क्योंकि जिन्हें बकवास करनी होती कर ही जाता क्योंकि इन्हें आपकी बकवास की इन किसी भी गल का पता नहीं गा भी की मैं कहना तो की नहीं कहना क्योंकि जोड़ा कि तकरीबन ब्लड डोनेट चैक होंगे उसके 80 रुपये तक खर्चा ही सरकार का 90 आ जाता क्योंकि जोड़ा वह टैसट करते हैं क्योंकि ये ब्लड डोनेटर यही फायदा होंगे क्योंकि वो टैसट फ्री हो जाते हैं क्योंकि तकरीबन जिन्नियां साड़ियां इत्थे ब्लड की मांग करते हो? साड़ी मांग यही है जी भी इहो जे गलत अंसरां ते कानूनी कार्रवाई करके परचा दर्ज करके उन्हों बंदे नूं सज़ा दित्ती जाए क्योंकि जिहड़ा कि गांह तो इहो जिहा बंदा कोई हरकत ना करे। पंजाब से विपन ओकारा की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।